देश की सबसे लंबी सी ब्रिज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की, या फिर जिसका ऑफिशियल नाम दिया गया है श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हार्बर लिंक। 21.8 किलोमीटर लंबी यह ब्रिज मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने का काम करेगा, वो भी सिर्फ 20 से 25 मिनट में। ये ब्रिज एक 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे को कैरी कर रही है, जो साउथ मुंबई के सेवरी से शुरू होकर खत्म होता है नवशिवा के चिरले में। एज पर ऑफिशियल्स, इस साल के एंड तक इस ब्रिज को पब्लिक के लिए ओपन करने का प्लान है और अभी सितंबर महीना चल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या इस ब्रिज का निर्माण का काम कंप्लीट हो चुका है या फिर और कितना काम बाकी है इसे कंप्लीट होने में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलता है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है कि आपके इस छोटे से स्टेप से हमें काफ़ी हेल्प होता है और आप चाहे तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जुलाई महीने तक का प्रोग्रेस में हमने देखा था कि ब्रिज एंड टू एंड कनेक्ट हो चुका था, जहां मुंबई और नवी मुंबई दोनों एंड से ही ब्रिज के ऊपर रोड लिंक का काम चालू हो चुका था। हाँ, जबकि शिवाजी नगर इंटरचेंज क्रॉस करने के बाद टोल प्लाजा में काफ़ी काम बाकी था और आगे चिल्ले इंटरचेंज के पास कुछ स्पैन्स में काम भी चल रहा था। तो अभी देखते हैं सितंबर तक कितना काम हुआ है इस प्रोजेक्ट में। और इस बार प्रोग्रेस देखना शुरू करेंगे समुंदर के बीच में से। जो रोड लाइन का काम बाकी है वो इस ब्रिज के दोनों एंड से शुरू हुआ है, इसीलिए ब्रिज के इस बीच वाले सेक्शन में अभी रोड लाइन बाकी है, लेकिन काम कंटिन्यू जारी है। तो अभी चलते हैं नवी मुंबई की तरफ और आपको दिख जाएगा कि ब्रिज के ऊपर रोड लाइन लगातार चालू है। एक बात तो पक्की है कि इस ब्रिज का निर्माण काफी बढ़िया तरीके से हो रहा है, जहां क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स हर एक चीजों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया गया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं ब्रिज के दोनों एंड पे ही रोड लेइंग कंप्लीट हो चुका है और अभी बस फिनिशिंग का काम चालू है। फिर आता है शिवाजी नगर इंटरचेंज, और जहां पे आपको मेन रोड का काम कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। हाँ, लुक में अभी भी काम बाकी है, क्योंकि इनिशियली जब ये ब्रिज ओपन होगा तो ये इंटरचेंज बंद ही रहेगा। फ्यूचर में जब इंटरचेंज को कनेक्ट करने वाली रोड्स बन जाएगी, तब जाके इस इंटरचेंज को ओपन किया जाएगा। अभी अगर ये ब्रिज ओपन होता है तो आप मुंबई से सीधा जाकर निकलेंगे चिल्ले इंटरचेंज से, जो हम अभी आगे देखने वाले हैं। बाकी अभी आप देख सकते हैं कि मेन रोड के ऊपर लाइट्स वगैरह भी लगा दिया गया है। खैर, खारकोपर स्टेशन के पास इस आरओबी को क्रॉस करने के बाद आता है एक टोल प्लाजा, जहां पे लास्ट टाइम के कंपेयर में आपको काफी कुछ बनते हुए दिख जाएगा, जैसे कि टोल बूथ, टोल प्लाजा का मेन बिल्डिंग, दोनों साइड के अप्रोचेस जो पीक्यूसी का बना है, और तो और ये हाइमस लाइट्स भी लग चुका है यहाँ पर। मेन पेंडिंग काम की बात करें तो राइट साइड के इस अप्रोच का काम अभी बाकी है, जो इस सेक्शन के क्लियर होते ही बन जाएगा और अच्छी स्पीड के साथ चल रहा है यहाँ पे काम। तो टोल प्लाजा से आगे वायडक तक कुछ 600 मीटर पे पीक्यूसी लेन बाकी है, जो कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है। फिर वायरेट के ऊपर आपको रोड का काम पूरी तरह से कंप्लीट होते हुए दिख जाएगा। लास्ट टाइम यहाँ पे एनएच 348A के ऊपर इन दोनों स्पैन में डेक स्लैब का काम चलते हुए हमने देखा था, जो अभी बनकर तैयार है और बाकी एक्टिविटीज का काम चल रहा है। फिर आगे बढ़े तो आरओबी स्पैन का लास्ट टाइम डेक स्लैब का काम चालू था, जो अभी बन चुका है। और रही बात चिल्ले इंटरचेंज की, तो इंटरचेंज पे भी ब्रिज के ऊपर रोड लेन का काम हो चुका है, सिर्फ चारों लूप का जो अप्रोच रोड है वो बाकी है, जिसका काम अभी चल रहा है। और स्टैंडर्ड और क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस लूप के ऊपर अभी लाइव लोड टेस्ट चल रहा है, जिससे ये पता चल जाएगा कि ये ब्रिज कितना कैपेबल है।
बाकी फ्यूचर में इस रोड को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्ट करने का प्लान है। और ये जो आप एंड देख रहे हैं, फ्यूचर में यहाँ से एक्सटेंड किया जाएगा नई ब्रिज को। तो करंट प्रोग्रेस को देखकर लग रहा है कि हाँ, ये पॉसिबल है कि इस साल के अंत तक हम और आप इस ब्रिज को इस्तेमाल करके मुंबई से नवी मुंबई या नवी मुंबई से मुंबई सिर्फ 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।